गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9 AM और मेरे को 8 बजे पहुंच जाना चाहिए था अलेक्जेंड्रिया आज, लेकिन मैं इस पॉइंट में, ये है एक्चुअली कायरो और अलेक्जेंड्रिया का चेक पॉइंट, मैं इस पॉइंट में पिछले 5 घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। मतलब कि 4 बजे से लेकर 9 बजे तक 5 घंटे हो गए हैं मैं इसी जगह पे हूँ। आई डोंट नो कितनी लंबी लाइन है ये ट्रैफिक जाम की, मेरे को नहीं पता, और अलेक्जेंड्रिया कब पहुँचूँगा नहीं पता। दोपहर पहुँचूँ, शाम को पहुँचूँ, रात में पहुँचूँ, कुछ नहीं पता। हेलो हेलो सब लोग अपने कार से, बस से बाहर निकल के आ चुके हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, 5 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, कितने मतलब इंसान पैदल चल के पहुँच जाए वहाँ पे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। हेलो, ये मेरी बस मेरे पीछे, गो बस की बस में बैठे बैठे बोर हो गया। रात में 10:30 से बैठा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं बस में बैठे। फाइनली अलेक्जेंड्रिया में पहुंच गया 4 घंटे देरी से, 8 बजे पहुंचना था, पहुंचा हूँ 12 बजे। और ये मैं इस टाइम हूँ अलेक्जेंड्रिया बस स्टेशन पे। बाकियों की जैसे मैंने बाकी जगह काउ सर्फिंग की इजिप्ट में, सेम मैंने अलेक्जेंड्रिया में भी काउ सर्फिंग की है। अब मेरे को जाना अपने काउ सर्फर के घर पे। عندي يولاك نفع المحروس صاحبي بص عشان هو مش فاهم حاجه نفع المحروسه في واحد مستنيين سلام ما تيجي عربيه خلاص लोकल बस करके मैं अपने कौसरदर के घर पहुंच चुका हूं, जो कि सिटी सेंटर में ही रहते हैं। इनका नाम है लोए। इनका मैं काउ सर्फिंग के थ्रू पहला गेस्ट हूँ, मतलब कि पहले टाइम किसी को होस्ट कर रहे हैं मेरे को। लॉय के मैं फ्लैट पे आ चुका हूँ। एक्चुअली इनका 2 फ्लैट है, एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट जस्ट बगल में जिसपे ये रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। इन्होंने बोला ये फ्लैट पूरा मेरे को दे दिया है कि जब तक आप यहाँ पे हो, मैं अलेक्जेंड्रिया में 2 रात और 3 दिन हूँ यहाँ पे, तब तक मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। फ्लैट काफ़ी अच्छा है, आपको दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, फुली फर्निश्ड है। थैंक यू सो मच लॉय। अभी मैं आया हूँ लॉय के साथ, जो मेरे काउसर्फर है, कुछ ब्रेकफास्ट लेने उनके साथ। जान का घर है जस्ट सामने ही, कई सारे शॉप्स हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। दिस इज फ्राइड चीज सैंडविच, मैं पहली बार ऐसा कुछ खा रहा हूँ जो कि बहुत ही यमी है। अब लॉय मेरे को कुछ जगह दिखाने लेके जा रहे हैं, देखता हूँ कहाँ लेके जाते हैं। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं स्टैनली बीच पे, जो कि है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम रेड सी, ये है मेडिटेरेनियन सी। एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आप जानते ही हो अरब कंट्रीज में फ्राइडे एंड सैटरडे वीकेंड होता है। आज हम जहाँ जहाँ भी गए हैं सब जगह ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी। कल का प्लान ये है, कल जल्दी निकलूँगा मॉर्निंग में, प्रोबेबली 8-9 बजे। 2-3 जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खुद देखना चाहता हूँ, मैं कल आपको दिखाऊँगा फिर। अभी हम लोग फिर से वापस आ गए हैं स्टैनली बीच पे, जो मैंने आपको बोला था दिखाने के लिए। जो पीछे ब्रिज है वो स्टैनली ब्रिज है, उसके नीचे ही स्टैनली बीच है, पूरा ये मेडिटेरियन सी का वाटर है।
क्या आपको पता है कि अलेक्जेंड्रिया में ट्रैम भी है? इजिप्ट में कोई भी सिटी में ट्रैम सर्विस नहीं है, सिर्फ अलेक्जेंड्रिया में है। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रैम को राइड करने, जो बहुत ही पुरानी ट्रैम है, बहुत ही स्लो चलती है। लेकिन दौड़ते हुए ट्रैम पकड़ी है, अभी ट्रैम जा रही थी, बहुत ही धीमे आती है, बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है इसकी, तो टिकट बहुत ही सस्ता है ट्रैम का, जस्ट 2 pounds। अब हम लोग आ चुके हैं सैन स्टेफानो। ये मॉल भी है, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं इसके अंदर, तो आपको दिखाता हूँ। और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं खालिद इब्न अलूवालिद स्ट्रीट, टफ नाम है, लेकिन जो जगह है बहुत ही फेमस है लोकल्स के बीच में। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हर टाइप के शॉप्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। आज मेरा दूसरा दिन है अलेक्जेंड्रिया में। कल मैं बहुत ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया क्योंकि सब कुछ जल्दी बंद हो गया था। मैं लेट से अलेक्जेंड्रिया पहुंचा भी था अराउंड 12 बजे के आसपास। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सिटाडेल ऑफ क्विबे, देखता हूँ कैसा है। सिटाडेल ऑफ जो क्विबे है, इसको फोर्ट ऑफ क्विबे भी बोलते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे बना हुआ है और लगभग ये 550 साल पुराना है। सिटाडेल ऑफ क्विबे के अंदर आ चुके हैं। एंट्री फीस है 60 pounds और 20 pounds अलग से लगे हैं कैमरा लाने के लिए। अगर आप फ़ोन लेके आते हो तो अलग से कुछ नहीं देना पड़ेगा, अगर कोई कैमरा लेके आते हो 20 pounds आपको देने पड़ेंगे। सिटाडेल ऑफ क्विबे को ईयर 1477 में बनाया गया था अलेक्जेंड्रिया सिटी को ओटोमैन एम्पायर से बचाने के लिए। फिर भी अलेक्जेंड्रिया को बचाया नहीं जा सका और 40 साल बाद 1517 में ओटोमैन एम्पायर ने अलेक्जेंड्रिया पे कंट्रोल कर ही लिया। सिटाडेल ऑफ क्विबे जो है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे ही बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, सब जगह से पूरा मेडिटेरेनियन सी का व्यू आ रहा है, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सिटाडेल ऑफ क्विबे का ये मेन फोर्ट है। अभी हम लोग दूसरी जगह पे आए हुए हैं, जैसे इसके बगल में ये एक्चुअली टेरेस टाइप का है और सबसे अमेजिंग व्यू जो है इस टेरेस से आता है। पूरा मेडिटेरेनियन सी का व्यू आता है और साथ में पूरा अलेक्जेंड्रिया सिटी का व्यू आता है। ये देखिए, सिटाडेल ऑफ क्विबे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब बिब्लियोथिकल अलेक्जेंड्रिना, मतलब कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो बहुत ही फेमस है पूरे अलेक्जेंड्रिया में। मैंने जितने लोगों को बताया था कि मैं अलेक्जेंड्रिया जा रहा हूँ, सब लोग ने मेरे से बोला था कि लाइब्रेरी ज़रूर जाना, तो देखता हूँ कैसा है। टिकट ले लिया है, टिकट बहुत ही सस्ता है, चाहे लोकल हो चाहे फॉरनर हो, सबके लिए 3 pounds है। तो यहाँ पे
डिस्टिंग्विश्ड प्राइसिंग नहीं है। और ये है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये जनाब है अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके नाम पे ही पड़ा है अलेक्जेंड्रिया सिटी का नाम। ये आपको जो इतना बड़ा दिख रहा है, इतना इंक्लाइंड ये विंडो है लाइब्रेरी का, अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा जहाँ सारी बुक्स रखी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो इसका वॉल है विंडो इतना इंक्लाइंड क्यों है, इसको इस तरह बनाया गया है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी बैठे कोई भी सन की हार्मफुल जो रेज होती हैं वहाँ तक ना पहुँचे, उसको पूरा रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाए, कुछ ऐसा साइंटिफिकली इसको बनाया गया है। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी से हम लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी थी, मतलब जितना मैंने सुना था कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, मस्त विजिट है, रियल में मस्त विजिट है ये लाइब्रेरी। आपने देखा ही कितनी बड़ी, कितनी ब्यूटीफुल और कितनी ही अट्रैक्टिव लाइब्रेरी थी ये। अगर आप अलेक्जेंड्रिया आते हैं तो लाइब्रेरी ज़रूर आइएगा, और कहीं चाहे जाइए चाहे ना जाइए। और यहाँ पे खास बात ये है, अनलिमिटेड वाईफाई है, वो भी बहुत ही हाई स्पीड, तो मैं एक घंटे से बैठ के वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, और स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है वाईफाई की, और फ्री है वो भी। ये नई ट्रैम है अलेक्जेंड्रिया की, बाकी दो सारी बहुत पुरानी है, तो ट्रैम यूज करके वापस जा रहे हैं अपने घर तरफ, की पुरानी वाली ट्रैम है। आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।